उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में आज नगर निगम में सभी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन दिया। संगठन के पदाधिकारियों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया। कहा कि काफी लंबे अरसे से नगर निगम में जो कर्मचारी कार्य करते आ रहे हैं उन्हें आउटसोर्सिंग या फिर संविदा पर रखा जा रहा है। अभी तक किसी भी कर्मचारी को सरकारी नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी मेडिकल कैंप नहीं लगता है। उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई भी सुविधा नगर निगम के द्वारा नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो सिर्फ जो ही उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को उन्हीं को ये सुविधा मिलती है। इसके साथ ही काफी लंबे अरसे से पुरानी पेंशन बहाली के लेकर मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मैं लोकेश परिहार हूँ। लोकेश जी, जैसे कि यहाँ 3 सूत्री मांग रखी गई है, इसके अलावा और क्या मांगे सफाई कर्मियों के लिए, क्या जरूरत है उनको लेकर, क्या मांग? इसके अलावा ये है कि जितने भी अपने कर्मचारी हैं जो आउटसोर्सिंग पे लगे हुए हैं उनको ही नियमित किया जाए, उन्हीं को ही रेगुलराइज किया जाए, उन्हीं की भर्ती की जाए पहले, ठीक है। और जो संविदा के हैं उनको रेगुलर किया जाए और जो हेल्थ मैनुअल के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो, जबकि अपने कर्मचारी काफ़ी कम है, ये मांगे हैं। पर जैसे कि जैसे मोदी सरकार है लगातार प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है उनको प्राइवेट करती जा रही है, अगर ऐसी होगी तमाम जगह, तो क्या लगता है कि सरकारी संस्था को प्राइवेट कर दिया जाए तो क्या करेंगे आप लोग? हाँ, उसी के लिए तो हम इकट्ठे हुए हैं, उसी के लिए तो विरोध है हमारा। सरकार की जो नीति है कर्मचारी विरोधी नीति है, हम इसका विरोध करते हैं। सरकार जो प्राइवेटाइजेशन जो कर रही है उसको बढ़ावा दे रही है, ये बिल्कुल गलत है, कर्मचारियों का शोषण है ये, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम विरोध करेंगे। हम चाहेंगे कि सरकारी भर्ती होनी चाहिए। कर्मचारी आउटसोर्सिंग के हो या ठेकेदारी पे हो, मतलब जितने भी है, क्या उनका मेडिकल टेस्ट वगैरह कुछ होता रहता है, महीने में टेस्ट वगैरह कुछ होता है? मेडिकल टेस्ट ऐसा कोई रेगुलर नहीं होता है, जब कभी होता है, लेकिन यहाँ पे रेगुलर कम से कम साल में दो तीन बार होता है, लेकिन वो होना चाहिए, जबकि हर महीने होना चाहिए, क्योंकि हमारा कर्मचारी गंदगी में हाथ देता है, गंदे माहौल में रहता है, गंदगी में रहता है, तो उसको मेडिकल की फैसिलिटी और उसका जो चेकअप है वो रेगुलर होना चाहिए। वाल्मीकि महासंघ का संरक्षक हूँ। बाबू जी, जैसे कि आज यहाँ पे उन्होंने मांग रखी है 3 सूत्री मांग रखी, अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई, अगर मांग पूरी ना होती तो क्या करेंगे आगे? सबसे पहले मैं मीडिया कर्मियों को, मीडिया को और पत्रकार बंधुओं को अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने मेरी हमारी हर मांग को प्रदेश स्तर तक पहुँचाया, उनकी अहम भूमिका रही है। 30 सूत्री का क्रम है हमारा, 30 मांगों को लेके, जिसमें सबसे ये है कि जब आदमी रिटायरमेंट हो जाता है तो उसका एक विकल्प एक बेटा, उसका बेटे के समान एक पेंशन है, और बहु बेटे परिवार धोखा दे रहे तो उसके विकल्प खाने पीने पालन पोषण का केवल में पेंशन रह जाती। 2005 में उन्होंने सरकार ने पेंशन बंद कर दी है, वो पेंशन पुरानी पेंशन लागू की जाए। नंबर 2, इस प्रदेश में 2 कानून क्यों? राज कर्मचारियों हमें घोषित किया जाए, सबसे अधिक कार्य करने वाला मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? जैसा कि बताया प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि अगर हमारा लास्ट धरना 4 चरण का, उस धरने के बाद हम समस्त लोग कार बंद, सफाई बंद और कार्यालय बंद, हड़ताल करेंगे प्रदेश के आह्वान पर। मेरा नाम विनोद इलावादी है, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ। विनोद जी, आज यहाँ पर सभी कर्मचारी बैठे हैं, किस लिए क्या धरना प्रदर्शन क्यों किया है? सम्मानित पत्रकार महोदय, मैं आपके पत्रकार समाचार पत्र के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर यह 3रे चरण का आंदोलन है, एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी, सभी संवर्ग कर्मचारी पिछले 15 सालों से अपने मांगों को लेकर दिनों रात आंदोलन रहते हैं, मगर प्रदेश सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। पहली मांग हमारी यह है कि उत्तर प्रदेश में जो 2005 के बाद जो नियुक्ति हुई है वो पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, क्योंकि एक विधायक जब कोई सांसद बन जाता है या मंत्री बन जाता है उसको 3-3 पेंशन मिल सकती है और हमारे कर्मचारियों को मात्र 1 पेंशन भी नहीं, आखिर क्यों? दूसरी बात ये, 15-15, 20-20 सालों से हमारा कर्मचारी संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहा है, 239 रुपये, 308 रुपये, 308 और 239 रुपये में कैसे गुजारा चलेगा? प्रदेश सरकार एक तरफ तो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जब 239 रुपये किसी को खर्चे के लिए मिलेंगे तो कहां से खर्चा कर रहे हैं? भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा पड़ेगा। तो मैं प्रदेश सरकार, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं, क्यों उनको
एक तरफ दिहाड़ी मजदूर 550 रुपए ले रहा है और ये सफाई कर्मचारी 308 रुपए और 239 रुपए, ये कहां का न्याय है? तो उनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए या फिर उनको स्थायी करके और उनको हेल्थ मैनुअल के हिसाब से उनको भर्ती की जाए। तीसरी मांग मेरी यह है, हमें राज्य कर्मचारियों को दर्जा दिया जाए। एक जो हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता है हमें मेडिकल का लाभ नहीं मिल पाता, तो हमारा कैशलेस के जो मेडिकल सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाए। इन सभी 30 सूत्री मांगों को लेकर हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। अगर आज भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हमारे चौथे चरण का धरना प्रदर्शन 2 दिसंबर का, उसके बाद हम पूरे प्रदेश में काम बंद हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। मेडिकल से बात करिए तो मेडिकल के लिए स्मार्ट सिटी के द्वारा जैसे कि बनाए गए हैं कैंप बन रहे हैं अभी और भी बने हैं, तो क्या लोगों में सुविधा नहीं मिलती है? कोई सुविधा नहीं है मेडिकल में भी, कर्मचारी कर्ज में डूब रहा है, किसी भी कर्मचारी को कोई सुविधा नहीं है। हम जो हमारा कर्मचारियों का जो कर्मचारी कल्याण कोष में लगा हुआ उससे कर्मचारी अपने इलाज कर रहे हैं, वो भी स्थायी कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को सब मिला के कर्मचारी, कोई सुविधा नहीं है मेडिकल की। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर।